आज कांग्रेस सड़कों पर है, अकेली एक सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है जो आज बीजेपी सरकार को निश्चय नाबूद करेगी। ये जनता 2024 चुनाव को वेट कर रही है। इस देश या प्रदेश में 2024 में कांग्रेस पार्टी का राज होगा और आम आदमी अमन फिर से जो पहले सोने में प्यास था वो उसको दोहराया जाएगा। 2024 में जनता ये कुछ भी कर सकते हैं, मेरी बात सुन लीजिए, ये कुछ भी कर सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। ये कुछ भी कर सकते हैं, आप मेरी बात सुनिए। मैं साफ कहना चाहता हूँ, अब इन्होंने राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया जनवरी 2024 में 14 तारीख को, इसलिए करा कि ताकि चुनाव है मई में, अप्रैल में या मार्च में, तो अब फिर से हिंदू मुसलमान करेंगे। आप बताइए क्या करूँ भैया। मैं तो कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ अपनी जनता की आवाज़ उठा सकता हूँ, जनता को दिखा सकता हूँ, यहाँ बैठे लोगों को दिखा सकता हूँ, इस बीजेपी सरकार को, इस घटिया सरकार को, इसके अधिकारियों को और इसके नेताओं को, मैं तो ऐसे ही आवाज़ें उठाता रहूँगा। उसके लिए किसी भी परिस्थिति का सामना करने को मैं तैयार हूँ। मुझे कोई डर नहीं है किसी चीज़ का, ना मैं कोई बिल्डर हूँ, ना मैं कोई प्लॉट काटता हूँ, ना मैं तो सिर्फ अपनी जनता, ओल्ड फरीदाबाद 89.9 हमारी विधानसभा है उनका, और तमाम मैं पूरे फरीदाबाद से कहता हूँ कि जहाँ भी कोई समस्या हो, कि चाहे बल्लभगढ़ में हो, चाहे कहीं किसी विधानसभा में हो, चाहे मेरा, मैं यहीं रहता हूँ 89 में, मेरी यही मेरी कर्म भूमि है, लेकिन मैं उनके लिए भी खड़ा हूँ। अगर कोई बल्लभगढ़ से जनता मुझे बुलाएगी मैं वहाँ भी जाऊँगा, बड़कल से बुलाएगी वहाँ भी जाऊँगा। मेरा काम है सिर्फ, मेरे लिए दो ही चीज़ें आती हैं, मैं मेरा परिवार और अपनी पार्टी के बैनर तले मैं आम जनता की आवाज़ उठाता रहूँगा। आप ये देखिए एक बार फिर से हम साइकिल ट्रैक की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि इस बीजेपी सरकार को जनता इस कूड़े की तरह उड़ाएगी। आगे आप देख रहे हैं, मैं साफ कह रहा हूँ, जनता कूड़ा समझ के उड़ाएगी सरकार को। ये जनता देख रही है 2024 में जब चुनाव आएंगे ना, ये जितने भी बीजेपी के तमाम नेता हैं, और आप सभी से एक बात कहता हूँ कि आप सभी भी, मैं जो भी मैं सवाल करता हूँ इन बीजेपी के नेताओं से, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पूछा तो कीजिए, और ये साइकिल आप फिर साइकिल पे दो साइकिल चलेंगे तो गिर भी सकता है, ठीक है। ये हाल है, ये है इनका स्मार्ट सिटी, ये है इनका फरीदाबाद। आप बताइए क्या कर रहे हैं फरीदाबाद में, फूल तो खिले, स्मार्ट सिटी के नाम पे कई हजार करोड़ डकार के फरीदाबाद के, जो स्मार्ट सिटी के नाम पे इन्होंने लिए थे वो डकार के, जो ठेकेदार हैं अलग अलग कामों के, उनका बस चले तो आत्महत्या कर ले। ये वो सरकार है जो किसी को हरेक से खाती भी है, पूरा उससे इतना निचोड़ देती है, वो कुछ भी खिलाई जाता। साइकिल मैंने दिखा दी, चलो मैं कह रहा हूँ, अभी एक भाई ने सवाल किया कि इसमें घपला है कि नहीं, आप कह रहे हो, मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं उससे यही कह रहा हूँ, तो मेरे एक सवाल का जवाब दें कि कहाँ बीजेपी के सभी तमाम नेता A to Z साइकिल ट्रैक पे कूड़ा, आम आदमी की बात करते हैं, भटरा एक बार देखिए, ये देखिए कूड़ा, ये कूड़ा, ये देखिए स्वच्छता अभियान, मेरा भारत महान, ये जुडिशरी के बाहर, चलो मैं लिखते हैं इनको, ये है साइकिल ट्रैक के बाबर में जो आम आदमी रहेगा। मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, मुझे पता नहीं कैसे बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैं गुस्सा रहता हूँ, इसलिए मैं आवाज उठाता हूँ। मुझे भी डराया जा रहा है, मुझे भी धमकाया जा रहा है, सरकार के नेता धमका रहे, अधिकारी धमका रहे, सब प्रशासन धमका रहा है कि ज्यादा बोलोगे तो कहीं ना कुछ लगा देंगे FIR, कोई बात नहीं, ईडी को नहीं बिठा देंगे, तो मैं तो कुछ करते नहीं, मैं ऐसा इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, नहीं तो बिठा देते, इतना बड़ा मैं आदमी अगर होता तो बिठा देते ईडी भी। आप ये देखिए इस सरकार ने, अभी मैं यहीं बैठा था उस दिन तो उन्होंने 8 रिक्शा भेज दिए कूड़ा उठा लिया, सामने कोर्ट है, जजेस की गाड़ियाँ जाती हैं। अब बताइए, अब ये बात करेंगे इनसे, मैं कह रहा हूँ ऐसी दुर्भाग्यहीन सरकार है, पूरे देश को खाने लूटने लगी, आज इन्होंने इस देश का वो हाल कर दिया है कि आम आदमी रहने लायक नहीं है। केवल अडानी अंबानी यही लोग बोझ कर रहे हैं, अडानी और अंबानी की जेबों में बैठे हैं, उन्हीं की अब गैस सिलेंडर के रेट बढ़ा दिए, क्यों बढ़ाए, 11 सब्सिडी, अकेली ऐसी सरकार है जिसने गैस सिलेंडर की सब्सिडी खत्म करी, क्यों खत्म करी, 117 रुपए कम हुए हैं आज कमर्शियल सिलेंडर के, कमर्शियल कौन यूज करता है, कमर्शियल फैक्ट्री वाले यूज करते हैं उद्योगपति, सिर्फ इसलिए कि ताकि लोग अडानी की गैस में स्विच करें, शुरू में वो 800 रुपए लेता है, बाद में 2000 रुपए बिल भेजता है, अब अडानी को भी तो वापस उठाना है, ये सेवक ही दो लोगों के, अडानी अमानी के और अपने परिवार के, इन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। बीजेपी के एक भी नेता को दम है
पूरे फरीदाबाद के नेताओं को ललकार रहा हूँ, बीजेपी के नेताओं को, कि यहाँ आके देख ले। आप बताइए, आपके जो व्यूअर्स हैं उनसे भी कह रहा हूँ, अगर मैं सच्चाई दिखा रहा हूँ तो मेरे साथ रहना, और बाकी आपकी मर्जी है। कांग्रेस के अंदर फरीदाबाद में आप ही हमेशा आवाज उठाते हैं, कभी नाव चलाते हैं, कभी कूड़ा दिखाते हैं, कभी आज ट्रैक दिखाया, बाकी नेता कहाँ सो गए कांग्रेस के? देखिए, बाकी नेता जो कांग्रेस के है ना, वो सभी यहाँ पे प्रदर्शन कर चुके हैं। अभी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष उदयभान, उनके नेतृत्व में महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया था, फरीदाबाद के सभी तमाम नेता यहाँ पे, पूरे प्रदेश के अध्यक्ष हैं। हाँ, तो उनके नेतृत्व में अभी हमने सेक्टर 12 मुख्यालय पे जब बने थे उसके बाद प्रदर्शन किया था। कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे के नेताओं ने हर मुद्दा उठाया, और आप फरीदाबाद की